साथियों नमस्कार। एक बार फिर से HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम, निष्ठा मॉड्यूल 17 जो आज वर्तमान परिस्थिति में COVID-19 की परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का एक समाधान का केंद्र बन चुका है, जिसे गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 5 प्रश्नोत्तरी गतिविधि आधारित प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। साथियों, यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथियों को शेयर करिएगा। तो साथियों, निष्ठा मॉड्यूल 17 की गतिविधि 1 और 5 की प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 साथियों, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। असत्य या सत्य, दो ऑप्शन हैं साथियों। यह सत्य है क्योंकि यह संक्रमित बीमारी है COVID-19, और एरो बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिना हाथ धोए या मास्क साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है, यह असत्य है। यह असत्य पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का यहाँ पर हमें टिक करना चाहिए था ताकि क्वेश्चन पूरा ओपन नहीं हो रहा है। तो साथियों, देखते हैं सत्य या असत्य कौन सा है। यह असत्य पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। सत्य या असत्य, यह असत्य है क्योंकि बिना डॉक्टर के परामर्श लिए हुए नहीं हमें ट्रीटमेंट कोई भी करना चाहिए। COVID-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने, सत्य या असत्य। यहाँ अलग अलग मास्कों के लिए अलग विशेषताएं होती हैं। डॉक्टर्स जिस मास्क के लिए प्रिस्क्राइब करें वही मास्क हमें यूज करना चाहिए। तो यह असत्य है, विविध प्रकार के मास्क नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है, सत्य या असत्य। वायरस फैलता है, यह असत्य है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस फैलता है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वायरस नहीं फैलता, यह असत्य है। साथियों, अगला क्वेश्चन, स्वदवा से बचें, अपने आप कोई भी दवा ना लें बिना परामर्श लिए हुए डॉक्टर्स के, असत्य या सत्य। यह सत्य है, एरो बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने अब बाहर जाते समय, सत्य या असत्य। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने अब बाहर जाते हैं समय नाक और मुँह ढकना अनिवार्य है, यह सत्य है। सत्य पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है, इस पर हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, खुद ही सतर्क रहना चाहिए ताकि COVID-19 से बचा जा सके। किसी को घर पर रहकर स्वअलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिरदर्द कम ग्रेड, क्वेश्चन पूरा ओपन करेंगे, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाएं, किसी को क्या करना चाहिए, स्वअलगाव, आइसोलेशन पर रखना चाहिए। सत्य या असत्य, यह सत्य है। सत्य पर टिक करेंगे और आगे
बढ़ेंगे। उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज़ का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। यह सत्य है या असत्य है? यह सत्य है, ताकि इन्फेक्शंस और भी बढ़ जाता है। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज़ से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। सत्य या सत्य? यह सत्य है। सत्य पर टिक करेंगे और एरो बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, यहाँ पर 10-11 क्वेश्चन थे और 11 क्वेश्चन हमने बिना स्किप किए हुए कंप्लीट किए। तो साथियों, अब इसको सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। तो सबमिट बटन को प्रेस करते ही 11 क्वेश्चन में से हमारे 11 क्वेश्चन करेक्ट हुए। अगर 11 में से 11 आपके क्वेश्चन करेक्ट नहीं होते हैं तो साथियों, रेडो जो एग्जिट के बगल में साइड में दी हुई है बटन, उसको क्लिक करेंगे और वापस 1 से 11 तक हम रिचेक करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमसे छूट रहा है और कौन सा गलत हमने किया है। तो इस प्रकार से हम इसको करेक्ट करेंगे साथियों। तो साथियों, नेक्स्ट है गतिविधि 5, अपनी समझ को परखें। कुल प्रश्न 5 हैं। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य। यह भी गतिविधि 5 भी सत्य और असत्य पर आधारित है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। सत्य या असत्य? यहां पर असत्य पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। सत्य या असत्य? छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। यहाँ पर कोविड-19 से की परिदृश्य को देखते हुए क्वेश्चन पुटअप किया गया साथियों। यहाँ पर असत्य पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। सत्य या असत्य? यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह असत्य है या सत्य है? तो पहले ही स्पष्ट हो गया है, यह असत्य है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और फेस मास्क पहनना चाहिए। तो साथियों, असत्य पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, इसमें गतिविधि 5 पे 5 क्वेश्चन ही थे जिसको हमने कंप्लीट किए और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ये 5 out of score 5 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से साथियों, ये हमारा मॉड्यूल। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।